सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है 22nd में और अभी 5:04 हो रहे हैं और अभी शुरू किया हूँ रिकॉर्डिंग। ये पहली नहीं है, पहले ही टेक है। हाँ, और अभी क्यू एन ए के लिए क्वेश्चन आ चुके थे, कल मैं इंस्टा पे डाल दिया था तो इंस्टा पे भी 8-10 आ गए हैं, यूट्यूब पे भी 8-10 थे, तो 20-22 में से 10 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, 10-11 जो भी जितने मेरी स्क्रिप्ट में लिखा है। तो चलो शुरू करते हैं पहले का आंसर, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन मेरी स्क्रीन पर यहाँ नीचे आ जाएगा। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये कोई केबीसी नहीं चल रहा है, ये मेरा Q&A चल रहा है, तो क्वेश्चन ये देख लो। और पहला क्वेश्चन है अपने दोस्त का, केतन का। भाई अपना ज़रा सारे फोन्स कहानी बताना ज़रा, जो भी है मैं समझ गया मतलब क्या है। तो मेरा पहला फ़ोन था, जूनियर में था तब, मैं जूनियर KG तब मेरे पास था ब्लैकबेरी, और वो मैंने कुछ फर्स्ट एंड तक चलाया। सेकंड में मैं लिया था iPhone 4S, उस टाइम iPhone न्यू निकला था, और उसके बाद से फिर iPhone देख ही सकते हो कहाँ पे आज। और iPhone 4S के बाद मैं फोर्थ में A8 Plus लिया था, और फिफ्थ में ये लिया था, मैं ये MI 5 साल हो गए इसको, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में, कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन हाँ चल रहा है, तो जब तक चल रहा है तब तक चलने देते हैं। और 7th के एंडिंग में, स्टार्टिंग में मैंने लिया था A6 Plus, और वो ईद के टाइम मेरे घर से चोरी हो गया, अब भी ईद के टाइम एक हफ्ता हुआ। और 5th फ़ोन जो है मेरा ये Oppo F17 Pro, इसको मैंने बस कैमरे के लिए लिया था, तो ये देख रहे हो चल रहा है, तो मैं अभी ये और ये दोनों फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नेक्स्ट ब्लॉग कभी आ रहा है, आई एम वेटिंग। तो भाई वेट मत करो, आ चुका है, लेकिन ये Q&A ब्लॉग मैं करता नहीं हूँ, मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ, तो ब्लॉग्स आते रहेंगे। अभी 30 तारीख तक के लिए भी मेरे को कंटेंट अभी बैठ के ढूंढूंगा, ये इसकी एडिटिंग के बाद कोई कंटेंट मिल जाएगा तो उस पर बना दूंगा। और फिर पाँच दिन पर मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, थर्ड क्वेश्चन है रिन्हू कोच का, इनका क्वेश्चन है, भाई या बहन जो भी हो, यूट्यूब पर आपको 1 महीने का कितना इनकम मिलता है। तो पहली बात तो मैं पैसे के लिए कर रहा नहीं हूँ, मेरी हॉबी है, और पैसे मिलेंगे तो पैसे कौन नहीं लेगा, तो पैसे मिल जाएंगे तो ले लेंगे। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे इनकम 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 हास के बाद मोनिटाइज होता है। मोनेटाइजेशन के लिए भी 3 से 4 महीने लग जाते हैं, पहले एडसेंस अकाउंट बनाओ, एडसेंस अकाउंट अभी बनाएंगे तो 1 से 2 दिन में बन जाता है, लेकिन अगर यूट्यूब के हिसाब से बनाएंगे तो 7-8 दिन लगते हैं। फिर मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब के पास जाता है, चैनल रिव्यू होता है, उसके बाद फिर एड्स चलते हैं, फिर पैसा आता है। और ब्रांड डील्स तो अभी आएंगे नहीं, जल्दी आएंगे, लेकिन अगर हो बढ़ गए जल्दी से 20-40 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए 1 साल के अंदर तो आएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्लू जहन X9। तो ये भाई का क्वेश्चन है, अभी तक यूट्यूब से, एक सेकेंड ना, कहाँ गया, तो आपको अभी तक यूट्यूब से कुछ मिला है? तो अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन मिल जाएगा, वैसे भी मेरी हॉबी है, कुछ मिलने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मज़ा आता है, बाद में कभी बैठ के देखूंगा कि कब क्या किया था तो अच्छा लगेगा, बस इसीलिए करता हूँ, हॉबी है एक हिसाब से, बस मिलेगा तो अच्छी बात है, मिलेगा तो ले लेंगे, मिलेगा तो डामर भी ले लेंगे तो नहीं, डामर नहीं लेंगे वैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त का, अजीत का। तो ये इसका क्वेश्चन है, रिमूव योर शर्ट एंड डांस इन योर बैल्कनी और आउटसाइड द हाउस। तो ये मैं अभी नहीं करूँगा, मैं 1 से 2 महीने बाद करूँगा, बैल्कनी में खड़े होके, और ऐसी बैल्कनी होगी जहाँ पे मेरे को कोई देख भी नहीं पाएगा तो अभी बाद में करेंगे ये, लेकिन हाँ इसके लिए पूरी वीडियो बनाऊँगा मैं, टेंशन नहीं लेना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयर इल्यूजन 7 का, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसका, इनका क्वेश्चन हैव यू गेट मैसेजेस टू स्टे एट होम। हाँ, रोज आते हैं, 10-20 रोज के आते हैं, और मैं इरिटेट हो चुका हूँ, मेरे को और नहीं चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है Khan4570 का, व्हेन डिड यू ऑफिशियली स्टार्टेड ब्लॉगिंग। तो मैं ऑफिशियली स्टार्टेड ब्लॉगिंग किया था
अपनी बर्थडे के दिन यही 2022 में। उसके पहले मैंने 4 ब्लॉग बनाए थे, एक खारघर का बनाया था, एक बार एक मैं मरोल गया था दोस्तों के साथ, और एक पवई एक एब्लॉन। तो पवई वाला नहीं एब्लॉन वाला है, और बाकी तीनों पे जो इंट्रो था उसमें मैंने डिवाइन का गाने का मतलब बीट यूज़ कर लिया था, तो उस पर आ गया कॉपीराइट। तो उसका वॉच टाइम भी नहीं आ रहा था क्योंकि 4000 हास इन 365 डेज होना चाहिए, और 3 वीडियो थी तो मैं यूट्यूब को रिव्यू के लिए भी एक ही वीडियो भेज सकता था, तो मैंने सोचा लाओ डिलीट मार देते हैं क्या जा रहा है, और वो मैंने एक दूसरा चैनल बना के मतलब डाल दिया है, लेकिन वो चैनल मैं नहीं बताऊंगा। मैंने सिर्फ इसलिए डाला है कि वो मेरे पास वो वीडियो रहे, क्योंकि फ़ोन्स और लैपटॉप्स का कुछ वो नहीं होता कि कब क्या ख़राब हो जाए, कभी भी कुछ भी ख़राब हो सकता है, तो मैंने एक दूसरा चैनल बना के डाल दिया है कि उस दर पे मेरी वीडियो हमेशा रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ गाइज, ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम के थे, अभी यूट्यूब के क्वेश्चन पे जाएंगे। मेरे हिसाब से 7 क्वेश्चन हो गए, तो 3-4 यूट्यूब के भी कर लेते हैं बस। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है सारा शेख का। इन्होंने पूछा है कि व्हेन विल यू स्टार्ट डेली व्लॉगिंग, और ये मैं देख के नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है YT स्टूडियो पे देखना होता है, लेकिन मेरा YT स्टूडियो मेरे फ़ोन में, तो मैं क्वेश्चन याद करके आया हूँ। तो व्हेन विल यू स्टार्ट डेली व्लॉगिंग, तो मैं डेली व्लॉगिंग तो अभी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ ऐसे चैलेंजेस लूँगा, 7 days 7 वीडियोस, 30 days 30 वीडियोस, तो ऐसे लेंगे चैलेंजेस, अभी नहीं थोड़े दिनों बाद। लेकिन डेली व्लॉगिंग का यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ अभी, वहाँ पे कंटेंट की बहुत कमी है, तो मे बी 1-2 महीने के बाद अगर शिफ्ट होते हैं कहीं, तो उधर पे तो जहाँ मेरे को पता है वहाँ पे तो बहुत कंटेंट है, तो वहाँ पे डेली ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी फिक्स नहीं है शिफ्ट होंगे कि नहीं, तो स्टे ट्यून्ड रहो। शिफ्ट होंगे तो ब्लॉग्स बनेंगे ही बहुत सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहनवाज शेख का, और ये भाई ने पूछा है डू यू वॉच अनदर ब्लॉगर्स। हाँ, तो मैं देखता हूँ, आई वॉच MSK, सत्या सागर, जट प्रभजोत, फ्लाइंग बीस्ट, और मेरा सबसे फेवरेट मोहित बीस्ट। तो ये लोग को मैं देखता हूँ, और ये लोग से मैं थोड़ा इंस्पिरेशन लेके थोड़ा सीखता हूँ। इंस्पिरेशन तो सभी हैं, लेकिन थोड़ा सीखता हूँ कैसे ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हो, देख लो सीन, और अभी लेटेस्ट वीडियो कोई भी देख लो, तो पता चल जाएगा कि कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और सब्सक्राइबर भी उसके बाद से बहुत बढ़े हैं, लगभग 340 वाली सब्सक्राइबर फर्स्ट वीडियो के बाद से बढ़े हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो गाइज, यही भाई का एक और क्वेश्चन है, व्हेन विल यू डू नेक्स्ट ट्रिप। थोड़ा आगे पीछे हो सकता हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि मैं याद किया हूँ, तो चला लेना। तो ये है अभी तो, अरे ये मेरी स्क्रिप्ट है, अभी तो टाइम है, लेकिन नवंबर में मेहताब भाई और एक मेरी अपनी शादी है। मेहताब भाई अभी ईद वाले ब्लॉग में देखा आपने, जो ऑरेंज में जो पहला था लास्ट में, वो है मेहताब भाई, उसकी और एक अप्पी की शादी है, तो गांव जाएंगे अगर सब सही रहा कोरोना का। तो नेक्स्ट ट्रिप वही हो सकती है, या फिर उसके पहले कहीं गए, कहाँ ही जाएंगे, अभी जून तक तो लॉकडाउन है, जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर कहीं भी गए तो फिर बना लेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट ट्रिप तो यही पता है मेरे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराग कश्यप का, हाउ यू, इधर लिखा नहीं है, सीधे देख रहा हूँ, हाउ यू वॉन्ट योर ग्रोथ टू बी। तो मेरे को ग्रोथ चाहिए सौरभ जोशी ब्लॉग्स की तरह, वो उसने मेहनत भी बहुत की है, 365 डेज 365 ब्लॉग्स बहुत बड़ी बात होती है, और अभी भी डेली ब्लॉग्स चल ही रहे हैं उसके, 400 के लगभग ऊपर हो चुके हैं, मैं डेली देखता हूँ 400 दिन से मैं भी देख रहा हूँ उसे, तो वैसी ग्रोथ चाहिए उसने, मतलब पूरे मार्च के महीने में मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए, और उसके घर पे खुद फ्लाइंग बीस्ट भी आए थे, तो ग्रोथ होनी चाहिए तो वैसी, वरना जिंदा तो आम का पेड़ भी है। तो गाइस, अभी इतनी जल्दी से हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है पप्पू गुप्ता का, और ये भाई मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, जान सकते हो लोग। तो ये पूछते हैं डू आई हैव एनी लाइफ गोल्स, क्वेश्चन ऐसी है, मैं याद करके आया, तो थोड़ा चला लेना। तो हाँ, मेरे पास बहुत सारे लाइफ गोल्स हैं, मैंने अपने नेक्स्ट 10 साल के लाइफ गोल्स बना के रखे हैं, ये इसके पीछे ही है, एक पेपर में करके मैं अपने फ़ोन के कवर में रखा हूँ, तो अगर कोई मेरा फ़ोन लेता है तो निकाल के देखने की कोशिश मत करना, और वो ऐसी हैंड राइटिंग में लिखा हूँ कि किसी को समझ ही नहीं आएगा, सिर्फ मेरे को आएगा।
जानबूझ के मैंने वैसे हैंडराइटिंग में लिखा है कि किसी को कभी वो समझ ही ना आ सके। तो थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ डैलस। यू सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पढ़ना फीका। और ये जो आउट्रो है ये MSK और इंडियन बैकपैकर का मिक्स होके आता है।